भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय मिश्रित खेती का एक अभिन्न अंग है, जो हमारे देश की 1 अरब से अधिक आबादी को पोषण, खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान करता है। श्वेत क्रांति आजादी के बाद से अब तक हमारे राष्ट्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। भारत दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है, जिसमें हर साल 110 मिलियन मेट्रिक टन से अधिक दूध का उत्पादन होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देश में डेयरी सेक्टर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान ने डेयरी उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। NDRI द्वारा विकसित नई तकनीकों एवं सेवाओं के विकास के चलते लाखों दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं व डेयरी उद्योग को लाभ पहुंचा है। संस्थान देश में खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने, नए रोजगार उत्पन्न करने, गरीबी हटाने और आर्थिक समृद्धि के लिए लगातार अपने अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों पर निरंतर कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना सन 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में हुई थी। डेयरी पशुपालन की वैज्ञानिक पद्धति का प्राथमिक अनुभव प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी 1927 में NDRI बेंगलोर से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 1936 में इस संस्थान का विस्तार हुआ और इसे इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया। 1955 में इसे इसकी वर्तमान जगह करनाल में स्थानांतरित किया गया और इसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया। अब बेंगलोर कैंपस इस संस्थान के दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। 1964 में NDRI ने पश्चिम बंगाल में कल्याणी में एक और क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया। ये क्षेत्रीय केंद्र डेयरी विकास के क्षेत्रीय पहलुओं पर ध्यान देते हैं। 1966 में इस संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अंग बना दिया गया। NDRI ने अपनी स्थापना के समय से ही डिप्लोमा और लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। तब से ही संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियां लगातार विकास कर रही हैं। इस समय संस्थान डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक के अतिरिक्त 12 से ज्यादा विषयों में स्नातकोत्तर और डॉक्टरल कार्यक्रम संचालित कर रहा है। शैक्षणिक क्षेत्र में संस्थान के योगदान को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1989 में NDRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया। NDRI डीम्ड यूनिवर्सिटी में भारत के सभी प्रांतों के अतिरिक्त एशिया व अफ्रीका तक से छात्र आते हैं। NDRI के शैक्षणिक कार्यक्रम विभिन्न मूल्यांकन समितियों एवं पुनर्निरीक्षण पैनलों द्वारा लगातार अपडेट किए जाते हैं। अध्यापन के अलावा यहाँ के शिक्षकों एवं छात्रों को विभिन्न खेलों और अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। NDRI ने कई अवसरों पर ICAR खेल प्रतियोगिताओं में चैंपियनशिप हासिल की है। विद्यार्थियों को गायन, नृत्य एवं नाटक आदि क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डेयरी तकनीक के स्नातक कार्यक्रम में प्रयोगात्मक शिक्षण एक विशेष घटक रहा है। 60,000 लीटर दूध प्रतिदिन संसाधित करने की क्षमता वाला मॉडल डेयरी प्लांट छात्रों को दुग्ध प्रसंस्करण के हर पहलू के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित है, ताकि हमारे विद्यार्थी डेयरी उद्योग में अपना कार्य भली भांति कर सकें। NDRI के स्नातकोत्तर छात्र राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ICAR, CSIR
और अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों एवं शिक्षकों के तौर पर कार्यरत हैं। इस संस्थान के पूर्व छात्र देश विदेश के डेयरी उद्योग अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी को ICAR द्वारा पशुपालन विभाग और डेयरी तकनीक विषय में संकाय प्रशिक्षण के एडवांस सेंटर के तौर पर मान्यता मिली है। NDRI विशेष रूप से तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए उष्णकटिबंधीय डेयरिंग और दुग्ध प्रसंस्करण में अपनी विशेषज्ञता को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करता है। विभिन्न विषयों में व्यावहारिक व आधारभूत अनुसंधान इस संस्थान की मुख्य गतिविधि है। संस्थान की अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों का लक्ष्य दुग्ध उत्पादन, डेयरी पशुओं का प्रबंधन, डेयरी पशुओं की अनुवांशिकी में सुधार, दुग्ध प्रसंस्करण की नई तकनीकों व देशी दुग्ध उत्पादों के लिए उपकरण डिजाइन करना तथा दुग्ध उद्योग को आत्मनिर्भर और लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए डेयरी किसानों और उद्यमियों को बाजार भाव, मांग एवं प्रबंधन के बारे में सलाह देना है। डेयरी पशुओं पर किए जा रहे अनुवांशिक अनुसंधानों के द्वारा गाय की नई संकर नस्लें करण फ्रीज और करण स्विस विकसित की गई, जो भारतीय जलवायु व कृषि परिस्थितियों के समानुकूल हैं। संस्थान के पशु प्रजनन अनुसंधान प्रयासों का महत्वपूर्ण उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी द्वारा श्रेष्ठ पशु प्रजातियों की तेजी से बढ़ोतरी करना है। भ्रूण प्रतिरोपण तकनीक की सहायता से एक श्रेष्ठ गाय से एक साल के भीतर 10 बछड़ों का जनन संभव किया जा चुका है। NDRI ने दुनिया में पहली बार भैंस के टेस्ट ट्यूब कटड़े प्रथम का जनन और IVF तकनीक द्वारा भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बकरी के बच्चे का जनन करके विशेष ख्याति अर्जित की है। हाल के समय की सबसे शानदार उपलब्धि है एक नई हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक द्वारा विश्व में पहली बार भैंस के क्लोन बच्चों का जन्म। इन क्लोन बच्चों का शारीरिक विकास एवं व्यवहार एकदम सामान्य है। पशु जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स द्वारा अनुसंधान से प्रजनन और दुग्ध उत्पादन क्रिया को समझने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय डेयरी पशु मुख्यतः कृषि उप उत्पादों और फसल के अपशिष्टों पर निर्वाह करते हैं। NDRI ने संकर गायों एवं मुर्रा भैंसों में उच्चतर उत्पादन बनाए रखने के लिए संपूर्ण पोषक चारा और मिनरल ब्लॉक के रूप में संतुलित पशु आहार विकसित किया है। निम्न पोषक गुणवत्ता वाले मोटे चारे और कृषि उप उत्पादों की पोषक गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने के लिए रासायनिक एवं भौतिक विधियों के अच्छे परिणाम मिले हैं। डेयरी प्रसंस्करण अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान ने कई भारतीय उत्पाद बनाने के लिए नई तकनीकें विकसित की हैं, जैसे खोआ और खोआ आधारित मिठाइयाँ, छेना और छेना आधारित मिठाइयाँ, किण्वित दूध, लॉन्ग शेल्फ लाइफ पनीर, लॉन्ग शेल्फ लाइफ लस्सी, कर्नाटक के कुंडा आदि। लोकप्रिय घरेलू उत्पादों के कई फॉर्मूले औद्योगिक स्तर पर अपनाए जाने के लिए तैयार हैं, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कुल्फी, रसमलाई, बसुंदी और चीज पूरी। दूध को सीरियल अनाजों के साथ मिलाकर बाजरा लस्सी और बाजरा आधारित दुग्ध बिस्किट तैयार किए गए हैं। दुग्ध संग्रह केंद्रों पर आने वाले दूध के त्वरित परीक्षण से दूध में विभिन्न किस्म की संभावित मिलावटों का पता लगाने के लिए एक किट विकसित की गई है। दूध में एंटीबायोटिक दवाओं के अवशेषों के त्वरित परीक्षण के लिए एक जैविक संवेदी किट, सामान्य दूध में सिंथेटिक दूध का पता लगाने के लिए परीक्षण, गाय और भैंस के दूध की मिलावट की जांच के लिए एक PCR आधारित किट, दूध में मौजूद पैथोजेनिक बैक्टीरिया की जांच के लिए एक PCR आधारित किट और दूध में सोया दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए रंग आधारित एंजाइमेटिक टेस्ट को अन्य प्रक्रियाओं व तकनीकों के साथ ही पेटेंट करवाया गया है।
डेयरी कल्चर का राष्ट्रीय संग्रहण NCDC देश में डेयरी कल्चर की आपूर्ति की एक अनूठी सुविधा है। NCDC ने देसी किण्वित दूध उत्पादों एवं स्वास्थ्यवर्धक प्रोबायोटिक उत्पादों के लिए डिफाइंड स्ट्रेन स्टार्टर कल्चर्स विकसित किए हैं। NDRI ने भारतीय मानक ब्यूरो और खाद्य मिलावट निरोधक कानून PFA के अंतर्गत दूध और दुग्ध उत्पादों के मानक व मानक जांच विधियां विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैव तकनीकी और फिजियोलॉजी में हाल के विकासों से डेयरी उत्पादन और प्रसंस्करण में नई व उत्साहजनक संभावनाएं सामने आई हैं। संस्थान ने जैव प्रौद्योगिकी और सोमैटिक सेल क्लोनिंग के नए क्षेत्र में नीश एरिया केंद्र विकसित किया है। गौ पशुओं के सभी प्रजनन हार्मोन्स के लिए रेडियो इम्यूनो एसे और एंजाइम इम्यूनो एसे विकसित किए गए हैं, ताकि शारीरिक विकास, प्रजनन एवं ब्यांत और हीट स्ट्रेस के दौरान डेयरी पशुओं की फिजियोलॉजी को समझा जा सके। प्रोजेस्टेरोन एंटीबॉडी, एंटी रैबिट गामा ग्लोब्यूलिन, हार्मोन एंजाइम कॉन्जुगेट्स जैसे कई मूल्यवान इम्यूनो रसायनों के स्वयं उत्पादन से हार्मोन एस्टिमेशन की कीमत में बहुत कमी आई है। ओवी सिंक और हीट सिंक ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग करने से रिपीट ब्रीडिंग और एनिस्ट्रस वाली भैंसों में फर्टिलिटी सुधारने में सहायता मिली है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी प्रबंधन और विस्तार क्षेत्र में एक समुचित प्रबंध प्रणाली विकसित की गई है। डेयरी फार्मों और दुग्ध प्लांटों के लिए आर्थिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है और विकास कार्यक्रमों के प्रभाव, जिनमें डेयरी और फसल उत्पादन व्यवस्था के बाधा बिंदुओं का मूल्यांकन किया गया है। दुग्ध उत्पादन मूल्य एस्टिमेशन और दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझने के लिए कई बेंचमार्क सर्वे और लागत अध्ययन किए गए। विचार विमर्श व नवीनतम अनुसंधानों के आदान प्रदान के लिए भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संगठन, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय डेयरी विज्ञान अकादमी और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। NDRI ने ICAR व CSIR संस्थानों, सरकारी विभागों, FAO, यूरोपियन यूनियन के इरास्मस मुंडस जैसे कार्यक्रम और जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज फाउंडेशन इत्यादि से गहन संपर्क बनाया हुआ है। संस्थान को नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट से बड़ी संख्या में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय ग्रांट मिला है। इन परियोजनाओं में NDRI या तो कंसोर्शियम लीडर है या कंसोर्शियम सहयोगी है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का 560 एकड़ का विशाल परिसर प्रयोगशालाओं, कार्यालय, छात्रावास, स्वास्थ्य व रिहायशी परिसर और सभा भवन आदि के लिए पर्याप्त है। संस्थान के पास 2000 से ज्यादा डेयरी पशु हैं, जिनमें गाय, भैंस, बकरी आदि हैं, जो प्रजनन सुधार परियोजनाओं व अन्य अनुसंधान कार्यों के लिए काम आते हैं। पशुओं के लिए खुले आवास और पूरे साल हरा चारा और साइलेज देने की व्यवस्था है। NDRI के पास पशुओं के हरे चारे, चारे के बीज और अन्न उत्पादन के लिए करीब 390 हेक्टेयर भूमि पर मैकेनाइज्ड फार्म है। संस्थान के पास गाय और भैंस के कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रजनन अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक केंद्र है और इस केंद्र की शान देश के सबसे बेहतरीन सांड है। ये केंद्र साहिवाल, थारपारकर, करन स्विस, करन फ्रीज, होल्स्टीन फ्रीजियन और मुर्रा प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता वाले वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यांकन, संरक्षण और वितरण का कार्य करता है। दूध को
को प्रसंस्करित करके विविध उत्पाद बनाने के लिए प्रयोगात्मक डेयरी प्लांट में नए उत्पाद विकसित करने के लिए आवश्यक संयंत्र व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, और साथ ही मिल्क प्लांट ऑपरेशन में छात्रों के प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। 60,000 लीटर दूध प्रतिदिन प्रसंस्करण क्षमता वाले आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित और स्वचालित मॉडल डेयरी प्लांट को NDDB के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये प्लांट NDRI डीम्ड यूनिवर्सिटी के BTech के छात्रों को प्रशिक्षण सुविधा के लिए समर्पित है तथा वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान प्रयोगशाला में विकसित प्रसंस्करण और उत्पाद के ऑपरेशंस को स्केल अप करने के लिए उपयुक्त है। मॉडल डेयरी प्लांट को हाल ही में ISO 9002 और HACCP प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी पुस्तकालय में डेयरी और संबंधित विषयों पर करीब 50,000 किताबें और 25,000 से भी ज्यादा दस्तावेज व डेटाबेस उपलब्ध हैं। लाइब्रेरी में महत्वपूर्ण भारतीय और विदेशी पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, और इसके अलावा 2,000 ऑनलाइन जर्नल्स भी उपलब्ध हैं। इस लाइब्रेरी में वाचनालय, इंटरनेट लीज लाइन, रेप्रोग्राफी एवं डिजिटाइजेशन और नवीनतम जानकारी सेवा की समुचित सुविधाएं हैं। संस्थान की लाइब्रेरी कृषि में ई स्रोतों के राष्ट्रीय कंसोर्शियम सेरा का प्रमुख सदस्य है, जिसके द्वारा यहां आधुनिकतम अनुसंधान साहित्य ऑनलाइन उपलब्ध है। विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों के लिए एक कंप्यूटर सेंटर है। इस कंप्यूटर सेंटर के महत्वपूर्ण कार्यकलाप में पशुधन फार्म के लिए सूचना प्रबंधन, वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि सुविधाएं शामिल हैं। विस्तार कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य डेयरी उत्पादन एवं संसाधन तकनीकों को कृषकों में प्रचारित व प्रसारित करना है। डेयरी शिक्षण कृषकों के द्वार नाम से एक नए अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें वैज्ञानिक गांवों में जाकर कृषकों के घर पर उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। NDRI द्वारा अपनाए गए प्रयोगशाला से किसान तक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से कृषक समुदाय की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने में महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं। कृषकों को दुग्ध उत्पादन, फसल उत्पादन एवं पशुपालन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्रदान करने हेतु डेयरी मेला, काफ रैली, पशु चिकित्सा कैंप, महिला कृषि दिवस और खेत पर प्रदर्शन आदि आयोजित किए जाते हैं। संस्थान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र और डेयरी प्रशिक्षण केंद्र कृषकों एवं ग्रामीण महिलाओं के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, ताकि उन्हें आधुनिक डेयरी व कृषि कार्यों में प्रशिक्षण दिया जा सके। यह केंद्र 1976 से अब तक 3,500 से ज्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा 60,000 से अधिक किसानों, जिनमें ग्रामीण कृषक, स्कूल छोड़ने वाले युवा, कृषक महिलाएं और सेवानिवृत्त फौजी लाभान्वित हो चुके हैं। संस्थान के डेयरी विस्तार विभाग ने स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, दुग्ध प्रसंस्करण और पैकेजिंग और बछड़े पालन के लिए सूचना एवं संचार तकनीकों पर आधारित वीडियो फिल्म्स और मल्टीमीडिया पैकेज भी बनाए हैं। एग्रो वेब पर NAIP परियोजना के अंतर्गत NDRI की एक नई वेबसाइट विकसित की गई है, जो ICAR के सभी पशु विज्ञान संस्थानों के लिए मॉडल का काम करेगी। इसे ICAR के समरूप दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। इस वेबसाइट में संस्थान के डेयरी कल्चर संग्रह, वीर्य बैंक, डेयरी पशुओं की उत्पादन क्षमता विवरण आदि डेटाबेस समाविष्ट किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.ndri.res.in में आपका स्वागत है।